हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल हाय सौम्य श्रेष्ठ गुड इवनिंग गुड इवनिंग निसर्ग जैन हेलो हाय मैं एकदम बढ़िया हूँ आप कैसे हैं नोटिफिकेशन आया हाँ अब आया है नोटिफिकेशन हेलो 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 सौम्य श्रेष्ठ क्या तुम वही सौम्य श्रेष्ठ हो जो मैं सोच रही हूं इज दैट यू ओनली चलिए हाय स्टूडेंट्स हेलो गुड इवनिंग क्या आप लोगों को मैं एकदम क्लियरली दिख रही हूं मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है पीछे का सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है तो प्लीज मुझे जरा सा थम्सअप भेज दो सब लोग हाय संध्या भारती हेलो ओके सौम्य ओके 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 यस डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बिगिन इट वी आर गोइंग टू बिगिन इट डेफिनेटली डेफिनेटली स्टूडेंट्स लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तब हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के पी वाई क्यू सॉल्व किए थे तब मैंने कोशिश किया था कि जितने टॉपिक्स वहां पे गिवेन हैं उन सब को हम कर लें इस तरीके से क्वेश्चंस डिजाइन किए थे साथ में नहीं सर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं भूली हूं आप मुझे आप बहुत अच्छे से याद हैं विकास चंद्र ऑफिशियल हेलो हाय हाय रागिनी हाय हाय आ तो बच्चों मैं क्या कह रही थी मैं ये कह रही थी कि जब बायोटेक हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस तब क्वेश्चंस इसी तरीके से अलाइंड थे कि सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं सारे और सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको करने को मिले आज जब हम बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस पढ़ेंगे अगेन यही मेन मोटिव रहेगा कि यहाँ पे भी जितने टॉपिक्स एनसीआरटी में गिवन हो वो सब के सब कवर हों प्लस साथ के साथ में क्वेश्चंस की वेराइटीज भी कवर हों साथ के साथ हम क्या क्वेश्चन कोशिश करेंगे टाइम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन में आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा आपको उसी में सॉल्व करके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शंस में बताने हैं राइट right? ये बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं ना बेटा तो इट इज अ वेरी सिंपल चैप्टर ताज़ा ताज़ा बच्चे बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस पढ़ के आते हैं वहां पे दिमाग घुमा हुआ मिलता है और यहाँ पे उनको आगे थोड़ी शांति मिलती है बहुत ही थियोरिटिकल चैप्टर है पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन्हीं पॉइंट और उन्हीं फैक्ट्स वही फैक्ट जो एनसीआर में गिवन है उन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे जो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस बाहर से आते रहे हैं वो भी मैंने यहाँ पे एड ऑन किए हैं ताकि तुम लोगों को आइडिया रहे कि यहाँ पे इस चैप्टर में पॉसिबिलिटी है कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनने की जो कि बाहर से आते हैं क्लियर चलिए तो क्या आप सब लोग तैयार हैं सब रेडी हैं बायोटेक एंडेट्स एप्लीकेशंस पढ़ने के लिए यस बेटा ये सेशन मैंने शायद दो चार दिन पहले लगवाया था या लास्ट फ्राइडे लगवाया था आई डोंट नो मुझे डेट याद नहीं आ रही बट आई वाज नॉट वेल इसलिए तब कैंसिल करना पड़ा था और अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं हिमांशु कुशवाहा हेलो हेलो आप बिहार से हैं ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए विकास थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाँ तो वॉट आई एम ट्राइंग टू से कि अब सारी बातें छोड़ दो अब आपका फोकस सिर्फ क्लियर होना चाहिए कि हम क्वेश्चंस या आप पे क्वेश्चंस आएंगे हमें उसको सॉल्व करना है विद इन द गिवन टाइम स्पैन और फिर हम बहुत डिटेल में उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड अगर कोई भी और एडिशनल फैक्ट होगा तो वह मैं आप लो, लोगों के सामने रखूंगी क्लियर चलिए शुरू करते हैं यू गाइज है और मैं एक बार टाइमर सेट कर दू यहाँ पे ये रहे टूल्स टाइमर्स यस हेयर इट इज कितना थर्टी सेकेंड्स का हमने टाइमर सेट किया है ऑल दो इससे जल्दी ही आप आंसर बता देंगे नेहा राणा हेलो हाय लेट्स सी कितने बच्चे आंसर्स देते हैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है बार बार पूछा गया है पीवाई क्यू है वन ऑफ द गिवन पीवाई क्यूज है ये विश्वजीत साहा ऑप्शन ए निसर्ग का ऑप्शन ए आया है सत्यम लीव दैट बेटा आई वुड सजेस्ट कि प्लीज डोंट स्पैम द बॉक्स फोकस करिए क्वेश्चंस करने पे, उसी को करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए तो लेट्स फोकस ऑन दैट ओनली बाकी सब चीजें जाने दो चलिए 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 आंसर आने लगे हैं रागिनी ए, नेहा ए। चलो हम चेक कर लेते हैं बीटी टॉक्सिन के बारे में बात की गई है अब बीटी टॉक्सिन का फंडा क्या है एक बैक्टीरिया है पैसिल थर उस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन मिला जो कि इंसेक्ट्स को मार सकता था ये जो जीन है ये जीन बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर तो इन एक्टिव फॉर्म में रहा रहता था हम उसको प्रोटोटॉक्सिन कहते हैं प्रोटोटॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर रहता है लेकिन इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाके उसके गट के एल्केलाइन पीएच में यह एक्टिव हो जाता है एल्केलाइन पी एच में ये एक्टिव हो जाता है और वहां पर प्रेजेंट सारी सेल्स में स्वेलिंग कर देता है और सेल लाइसिस कर देता है सेल बर्स्ट हो जाते हैं स्वेल होकर सेल टूट जाते हैं सेल मर जाते हैं सेल्स की डेथ हो जाती है ये काम कौन सा जीन करता है क्राइजीन ये क्राइजीन कहा प्रेजेंट है बैसिलिस थे अंदर इसको यूज किया जाता है कॉटन की यील्ड बढ़ाने के लिए और इसीलिए हम उस कॉटन को बीटी कॉटन कहते हैं ठीक है तो आंसर हो जाएगा ये इंसेक्टेसिडल है इंसेक्ट को मारता है क्योंकि एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड करता है कहाँ पे एपिथीलियल सेल्स के मिड गट पे मिड गट के एपिथीलियल सेल्स में उसमें पोर्स क्रिएट कर देता है स्वेलिंग होती है लाइसिंग होती है और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है चलो मैं यहीं से एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछती हूं देखते हैं कोई इसका आंसर दे पाता है कि नहीं बी कॉटन या बीटी ब्रिंजिल या बीटी टोमैटो कोई सा भी एक ऐसा क्रॉप जिसके अंदर बीटी जीन है वो तो कितना गजब का क्रॉप है क्योंकि वो सारे इंसेक्ट्स को मार रहा है उसकी यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी लेकिन फिर भी हम मार्केट में इसको यूज नहीं करते हैं क्या कोई मुझे बता सकता है कि इतना फेमस ये क्यों नहीं है या फार्मर्स इतना ज्यादा इन जीन्स को यूज क्यों नहीं करते हैं एनी स्टूडेंट ये भी किसी स्टेट पीएमटी में पूछा गया है यह एक बहुत जनरल क्वेश्चन है कि इतने ब्रॉड लेवल पे ये बीटी जीन्स का या बीटी क्रॉप्स का यूटिलाइजेशन क्यों नहीं होता है जरा बताओ मुझे अच्छा ओके okay, ठीक है निसर्ग मैं नाम लेती हूं निसर्ग का आंसर सही था रागिनी का सही था नेहा का सही था चंद्र आर्मी का सही था और जिन्होंने भी ए आंसर दिया उन सबका आंसर एकदम सही था निसर्ग क्राईजीन एकदम सही बात है आई ऑलरेडी डिड टुक द नेम्स बिकॉज़ इट टारगेट नॉन टारगेटेड पेस्ट इट किल्स यूजफुल माइक्रोब्स नो बेटा देखो ना ये इन, उन्हीं इंसेक्ट को मार रहा है ना जो उस कॉटन को खाने आए हैं राइट मैं उस कॉटन को खाने आई हूं तो मुझे मार दिया मैं तो टारगेटेड इंसेक्ट ही हुई तुम उसको खाने ही नहीं आए हो तो तुम्हें मारेगा भी नहीं तो तुम तो नॉन टारगेटेड और तुम सेफ हो फिर भी ऐसा क्यों ऐसा क्यों इसका रीजन मैं बताती हूँ एक्चुअली जो बी कॉटन का जीन है ना ये इनके सीड्स में ट्रांसफर नहीं होता फर्दर नेक्स्ट जनरेशन की क्रॉप्स में ट्रांसफर नहीं होता तो अगर मैंने एक बार बी कॉटन का सीड बोया मुझे अगले बार फिर से नए सीड्स खरीद के लाने पड़ेंगे और उन्हें फिर बोना पड़ेगा जो इससे सीड पैदा होंगे मेरी क्रॉप से उनके अंदर ये बी जीन ट्रांसफर नहीं हुआ होगा तो मुझे बार बार नए सीड्स लाने पड़ेंगे महंगा हो जाएगा फार्मर्स के लिए इसीलिए वो उसको यूज नहीं करते क्लियर चलिए एक और क्वेश्चन है जरा इसको सॉल्व करिए बहुत 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 फेवरेट क्वेश्चन है ये एनटीए का नीट का बार बार ये क्वेश्चन को पूछा जा चुका है क्लियर हुआ न सर चलिए गुड 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 अब बताइए मुझे नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने ए आंसर दिया है ओके okay. हाँ यस रागिनी दे के नॉट अफोर्ड इट ओके लेट्स सी बाकी स्टूडेंट्स का क्या आंसर आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने चांस सितारे बनाने चाहो उस पर बना लो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए टाइम्स ऑफ टाइम्स ऑफ टाइम्स अप। चलो हम इसको देखते हैं एक इंप्रूव्ड विश्वजीत का ए आंसर आया है शालिनी का ए आंसर आया है ठीक है देखते हैं एक इंप्रूव्ड वैरायटी है ट्रांसजेनिक बासमती राइस की उसके बारे में क्या बातें की गई हैं देखो मैं तुम लोगों को बताती हूं ये जो ट्रांसजेनिक बासमती राइस का नाम है ये एक्चुअली में गोल्डन राइस है गोल्डन राइस। ये गोल्डन राइस राइस ये का नाम गोल्डन क्यों है बिकॉज ऑफ इट्स कलर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन आते हैं कलर इसका रीजन है कि इसका नाम गोल्डन राइस क्यों है अब इसमें होता क्या है इसके अंदर बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है और ये जो बीटा कैरोटीन है ना ये एक्चुअली में प्रीकर्सर है वाइटमिन ए का तो ये एक ऐसा चावल है जिसके अंदर बीटा कैरोटीन की क्वांटिटी ज्यादा है यानी कि वाइटमिन ए की क्वांटिटी ज्यादा है तो ये नाइट ब्लाइंडनेस को ट्रीट करने के काम आता है नाइट ब्लाइंडनेस को ट्रीट करने के काम में आता है तो आंसर हो गया है ए अब इसके बारे में एक अच्छी बात बताती हूं देखो ये सारे टॉपिक्स या ये सारे एग्जांपल्स जो आपके एनसीआरटी में डाले गए ना इन सबके पीछे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जैसे गोल्डन राइस के बारे में हम बात करें तो क्या पूरे वर्ल्ड में सारी पॉपुलेशन फ्रूट्स खाना अफोर्ड कर सकती है क्या वो न्यूट्रेंट सप्लीमेंट्स लेना अफोर्ड कर सकती है क्या वो वाइटमिन की महंगी महंगी गोली अफोर्ड कर सकती है नहीं तो साइंटिस्ट ऐसी रिसर्च बार 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 करते रहते हैं जिसमें जो स्टेपल फूड है जैसे कि गेहूं हो गया चना हो गया चावल हो गया इसी में ज्यादा नरिशमेंट लोगों को मिलता जाए और उनको एक्स्ट्रा मनी खर्च ना करना पड़े या वो लोग जो मनी खर्च करने के कैपेबल नहीं है जो बहुत ज्यादा महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते उनके हेल्थ uh, का भी ध्यान रखा जाए तो गोल्डन राइस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ सच थिंग ठीक है तो ए ऑप्शन जिन्होंने भी बोला था आंसर सही है निसर्ग विश्वजी सालिनी रागिनी एकदम सही है uh, अगर वाइटमिन ए की डेफिशिएंसी है तब गोल्डन राइस इज हेल्पफुल फॉर यू लेकिन अदरवाइज अगर नॉर्मल आईसाइड वीक हुई है फॉर सम अदर रीजन तब इसका कुछ इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रह जाएगा लेकिन ये नॉर्मल राइस के कंपेरिजन में ज्यादा बेटर हो जाएगा ये नेहा आंसर एकदम सही है ए यस yes, महंगाई बहुत बढ़ गई है अभिजीत ओके हाय आयुष कुमार गुड इवनिंग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यू गाइस हैव ट्वेंटी सेकंड्स टू सॉल्व इट सिंपल सा क्वेश्चन है नो अबाउट आई आई टी जैम इन दिडल ऑफ अट सेशन बेटा को आई आई टी जैम के बारे में पूछना है तो आप मुझसे अलग से आके पूछ लेना तब मैं आपको आई आई टी जैम के बारे में हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ठीक है राइट नाउ नीट से रिलेटेड सेशन है तो नीट से रिलेटेड चीजें पूछिए अच्छा एक और बात मैं बता देती हूँ ऑलरेडी यहाँ पे बच्चों को पता होगा आप लोगों को अगर मुझसे कुछ भी पूछना है कोई भी डाउट है तो यू कैन मैसेज मी और टॉक टू मी एट द माई टेलीग्राम चैनल जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है विच इज वाइट कोड्स विद एसेस मैम ऑलरेडी यहां पे बच्चों को पता है बट स्टिल चलो ये हो गया वाइट कोड्स विद एसेस मैम अब हम हमारे क्वेश्चन की बात करें चलो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के सी आंसर आ रहे हैं आज तुम लोगों ने नोटिस किया तीसरा क्वेश्चन है और किसी भी एक बच्चे का गलत आंसर नहीं है बायोटेक एप्लीकेशन के एक ही बेस्ट बात है कि इसमें यूजुअली बच्चों के आंसर्स गलत नहीं होते हैं सीधे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं

आर एन ए साइलेंसिंग आर एन ए साइलेंसिंग का मेथड यहां पे यूज किया जाता है आर एन ए साइलेंसिंग में क्या करते हैं सुनो इस मेलोइडी गायने इनकॉग्नीशिया में डीएनए होगा डीएनए से आरएनए होगा और आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे जब आरएनए बना तो इसका आरएनए बना फाइव डैश टू थ्री डैश हम क्या करते हैं हम यूज करते हैं कोई वायरल जेनेटिक मटेरियल या फिर हम यूज करते हैं कोई मोबाइल जेनेटिक मटेरियल जिसको हम ट्रांस कहते हैं ट्रांसपोसॉन होता है मोबाइल जेनेटिक मटेरियल। हम ऐसा जेनेटिक मटेरियल यहां पे डालते हैं जो इस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है थ्री डैश टू फाइव डैश और इस तरीके से एक डबल स्टैंडर्ड आर एन ए बन जाता है जो कि कोई प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करता कोई प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होता है और ये पैथोजन सरवाइव नहीं कर पाता टोबैको के अंदर मिलोइडी गायने इनकॉग्शिया जरा मुझे बताइए किसी को इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन अभी तक आर एन ए इंटरफेयरेंस यस हम इसको आर एन ए आई भी कहते हैं क्योंकि आर एन ए के काम में हमने इंटरफेयर कर दिया है शुभम नेहा शालिनी विशाल रागिनी निसर्ग आयु शिवू एंड ऑल अदर स्टूडेंट जिन्होंने सी आंसर दिया है एकदम सही ट्रांसपोसॉन को जंपिंग जीन भी बोला जाता है यस निसर्ग एकदम सही है क्लियर 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 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यू गो यू विल हैव थर्टी सेकेंड टू सॉल्व इट अरे ये लो इंटरफेरेंस का ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया वही सेम फंडा यहां पर है चलिए लेट्स सी कौन इसका आंसर दे सकता है एक आंसर आया है डी विश्वजीत ने बी दिया है निसर्ग डी विशाल डी प्रतिभा डी आयुष विशाल सत्यभ्रता चलो 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 Let's see, let's see, let's see. इसको हम solve करते हैं। RNA interference, RNA जो भी अभी हमने हमने अभी पढ़ा, स का फंडा, RNA silencing, उसी की बात हो रही है ये एक cellular का method है, यस yes, एकदम सही बात है। ये एक हैल्यूलर डिफेंस का मेथड है यू केरियोटिक सेल्यूलर डिफेंस मेथड अच्छा चलो मैंने तुम लोगों को जब लास्ट सेशन लिया था बायोटेक का ही तब मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म बताया था और मैंने उससे बताया था कि यहां से बहुत ही गजब की चीज निकली जिसके ऊपर हमारी पूरी बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है क्या तुम्हें तो से किसी को याद है कि प्रोकैरियोटिक कैरियोटिक डिफेंस मेथड जो मैंने लास्ट सेशन में पढ़ाया था या जो एनसीईआरटी में मेंशनड में है वो कोई मुझे बता सकता है लेट सी लेट सी लेट सी चलो वो मुझे बताओ तब तक हम यहां पे देखते हैं कि यू के में सेल्यूलर डिफेंस मेथड होता है आर एन ए आई का आर एन ए इंटरफेरेंस का इसके अंदर क्या होता है कि जो भी बाहर से वायरल डीएनए या पैथोजेनिक डीएनए आया है उसके अगेंस्ट कुछ आर एन ए बना देता है और वो उसको साइलेंस कराने की कोशिश करता है डबल स्टैंडर्ड आर एन ए बना के यस मॉलिक्यूलर सिजर्स रेस्ट्रिक्शन एनजाइम्स प्रोकेरियॉर्ट का डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट बैक्टीरियोफेजेस एकदम सही आंसर दिया है निसर्ग ने वेरी गुड चलो अब यहां पे क्या हुआ साइलेंसिंग हुई है एक स्पेसिफिक एमआरएनए की क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बन गया दूसरा स्टेटमेंट भी सही है दोनों स्टेटमेंट सही है देखो आंसर तो ऑल ऑफ द अब हो जाएगा फिर भी हम चेक कर लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आ इन दिस प्रोसेस में बी इन्फेक्शन बाय वायरस इज है जिरोम एकदम सही है तीनों ऑप्शन सही है आंसर डी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव ट्वेंटी सेकेंड्स टू सॉल्व इट चलिए 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 ये मेडिकल माइक्रोबायोल मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कह रही हूं मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है थैंक यू ने सर चलिए लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी सो सॉरी टू हेयर इट आई यूज जस्ट ट्राई अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए देन इट वुड बी वेरी गुड चलो देखते हैं बच्चों के क्या आंसर आ रहे हैं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको यहां पे देखने को मिलेंगे लेट्स सी ओके आशुतोष ने आंसर दिया है बाकी नेहा का सी प्रतिभा कोई बात नहीं प्रतिभा मैं अभी बता दूंगी निसर्ग का सी लेट्स सी देखो डियोग्राफी पहले ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब समझो कि ऑटो रेडियोग्राफी क्या चीज है देखो क्या होता है जब भी मुझे कुछ स्टडी करनी है किसी जीन्स की या मुझे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करनी है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर भी सेम फंडा यूज होता है तो हम क्या करते हैं समझो जैसे सपोज मुझे इस डीएनए स्ट्रैंड में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बता रही हूं ये कोई डीएनए है जो मुझे क्राइम सीन पे मिला है और मेरे पास में दो विक्टिम्स हैं दो हैं ए और बी और मुझे पता करना है कि इनमें से किसका डीएनए है तो हम क्या करते हैं हम इस डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री एक प्रोब बना लेते हैं प्रोब मतलब मैंने कोई भी एक स्ट्रैंड ले लिया सपोज मैंने फर्स्ट uh, और सेकंड में से सेकेंड स्ट्रांड ले लिया और इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बना दो कुछ भी बना दो लेकिन इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये रेडियो एक्टिव होना चाहिए रेडियो एक्टिव होना चाहिए ये डीएनए डेफिनेटली अब हम क्या करेंगे इन दोनों के स्टैंड का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ले लेंगे और हम इसे यहां पे चिपकाने की कोशिश करेंगे ये जिसका भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा वहां पे जाके चिपक जाएगा और ये जिससे मिलेगा मुझे पता चल जाएगा कि यही आदमी का ये डीएनए है यही आदमी का ये डीएनए प्रोब डीएनए प्रोब मैच हो रहा है इसको हम प्रोब कहते हैं प्रोब रेडियो एक्टिव डीएनए देखो होता है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट और रेडियो एक्टिव डीएनए है प्रोब यहां से भी क्वेश्चन आता है एज इट इज सेम जो मैं बोलती जा रही हूं ना एक एक शब्द से क्वेश्चन आते हैं इसका बहुत ध्यान रखो तो ये यहां पे जिससे भी जाके मिलेगा वो उस वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा और वही मेरा विक्टिम है वही वो विक्टिम कह रही हूं वही मेरा कल्प्रेट है उसी ने खून किया है मर्डर किया है जो भी किया है वोट है वो अब ये यहां से पे जाके चिपक गया मुझे दिखेगा कैसे मुझे दिखता है एक टेक्निक जिसका नाम है ऑटो रेडियोग्राफी ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं हम इस रेडियो एक्टिव डीएनए को चिपका देते हैं सपोज वो यहाँ पे चिपक गया तो वो जहां पे चिपकेगा वहां पे चमकने लग जाएगा ग्लिटर हो जाएगा जैसे एक्सरे अपन निकलवाते हैं तो पूरी ब्लैक शीट होती है लेकिन जहां जहां पे हड्डी होती है वहां पे वाइट वाइट होता है सिमिलरली ऑटो रेडियोग्राफी में भी यही होगा जहां पे रेडियो एक्टिविटी होगी वहां पे अलग कलर शो होने लग जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा अब ऑटो रेडियोग्राफी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज कर सकते हैं ऑटो रेडियोग्राफी अब यहां पे सुनो अब इस बात को ध्यान से सुनना यहां पे मेरे जितने भी जीन्स हैं उन सारे जीन्स को मैं यूज करूंगी और मैं मेरा डीएनए प्रोब बना लूंगी जो यहां, पे सीक्वेंस आज इट इस सीक्वेंस यहां पे बन जाएगा और वहां पे हम चिपकाने का काम कर लेंगे लेकिन सपोज अगर किसी जीन में कोई म्यूटेशन हो गई है जो मुझे नहीं पता जो मुझे नहीं दिख रही है तो क्या मेरा डीएनए प्रोब कहीं पे भी जाके चिपक पाएगा नहीं चिपक पाएगा ना इसीलिए म्यूटेटेड जीन्स में ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो फोटोग्राफिक फिल्म पे कुछ नहीं दिखेगा कोई भी चीज अपियर नहीं होगी इसीलिए जब हमें कैंसर सेल्स का पता करना होता है तब तो हम ऑटो रेडियोग्राफी कर लेते हैं क्योंकि कैंसर सेल्स के जो डीएनए होते हैं वो बहुत सारा म्यूटेटेड डीएनए होता है तो मैं कोई एक नॉर्मल सेल निकालूंगी उस सेल का डीएनए देखूंगी उससे डीएनए प्रोब बना लूंगी फिर मैं कैंसर की जो सेल्स है जो बायोप्सी के लिए अपन निकालते हैं उससे डीएनए निकालूंगी प्रोब को मैच कराने की कोशिश करूंगी ऑटो रेडियोग्राफिक फिल्म पे वो चमकेगा ही नहीं ये फंडा होता है ऑटो रेडियोग्राफी का आंसर है सी ओके yes. uh, okay, uh, एक सेकेंड कॉमेंट्स दिखाना प्लीज कॉमेंट्स नहीं दिख रहे मुझे ओके ओके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है बिल्कुल बेटा एनसीआरटी में देखो एनसीआरटी में लिखा हुआ रेडियो लेबल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आर कुछ भी हो सकता है ठीक है चलिए नेक्स्ट चीज हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये हम आपको दे देते हैं फोर्टी सेकेंड इसको सॉल्व करने के लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जिन्होंने उसमें सी आंसर दिया था शालिनी और एक बार कॉमेंट थोड़े ऊपर करना प्लीज ऊपर वाले कॉमेंट दिखाना मुझे ऋतिक राज आन्या शालिनी ठीक है चलिए 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 हाँ, सी आंसर वाले एकदम सही है अब नेक्स्ट आप लोगों को मिला है मैच द फॉलोइंग सॉल्व करने के लिए लेट्स कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं लेट्स सी हो गया हो गया हो गया आंसर आया है डी आया है लेट्स सी बाकी बच्चों का क्या आंसर आता है हाय सोने का हेलो समीर डी ओके रागिनी डी ठीक है चलो देखते हैं

अब हम बात कर लेते हैं हाइब्रेडोमो और इंटरफेरस की इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं समझिए मैं एक सेल हूं कोई वायरस आया मुझे इन्फेक्ट कर गया तो मेरे अंदर अपना वायरल डीएनए बनाने लग जाएगा अब वायरस क्या करेगा मेरे अंदर बहुत सारा अपना वायरल प्रोटीन बनाएगा वायरल स्ट्रक्चर बनाएगा मुझे मारेगा बाहर निकलेगा और बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करने लग जाएगा तो मैं क्या करूंगी अपने बाकी सेल्स को अपने बाकी साथियों को बचाने के लिए कुछ केमिकल्स रिलीज करूंगी इन केमिकल्स को हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं जो कि एंटीवायरल केमिकल्स होते हैं एक वायरस इंफेक्टेड सेल रिलीज करती है अपनी सेल्स को बचाने के लिए। ऐसे ही कुछ एल्फा इंटरफेरॉन्स होते हैं जो कि कैंसर सेल्स को ट्रीट करने के भी काम आते हैं तो इंटरफेरॉन्स हो गया एंटीवायरल सब्सटेंसेस यानी कि फर्स्ट का टी देखो फर्स्ट का टी ये यानी कि सेकेंड आंसर डिसाइडिंग है हाइब्रिडोमा का क्या फंडा होता है अब मैं तुम लोगों को हाइब्रिडोमा बता देती हूं मुझे ना किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज चाहिए बहुत सारी एंटीबॉडीज मैं चाहती हूँ मेरी लैब में इकट्ठी हो जाए तो इसका मैं मोस्ट कॉमन तरीका बताती हूँ क्या करेंगे जैसे सपोज मुझे ओ, कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज चाहिए तो मैं किसी एक इंसान के अंदर या जब हम लैब में टेस्ट कर रहे होते हैं तो चूहा बेस्ट होता है चूहे के अंदर कोरोना का वायरस डालूंगी और कोरोना के वायरस से उसके बॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होने लग जाएगा फिर उसको मैं बाहर निकाल लूंगी और उसको फिर मैं कल्चर कर लूंगी तो मेरे पास बहुत सारे एंटीबॉडीज इकट्ठे हो जाएंगे इस टेक्निक को हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर्मेशन कहते हैं और हाइब्रिडोमा सेल्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है तो हाइब्रिडोमा सेल्स क्या हाइब्रिडोमा क्या हो जाएगा यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज सेकेंड का हो गया आर सेकेंड का आर डी आंसर है सिक्स का आंसर डी है शालिनी का सही था रागिनी का सही है समीर का सही है आशुतोष बेटा सी नहीं डी होगा आंसर यस बेटा निसर्ग अभी निसर्गोशन रीजन क्वेश्चन भी आएंगे हाइब्रिडोमा इज एन टिश्यू कल्चर यस हाइब्रिडोमा एज एन टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर में ही काम आता है हाइब्रिड बनाने के काम में आता है सोमैटिक सेल्स के फ्यूजन वगैरह करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह बनाते हैं ओके निसर्ग वेरी गुड येस आपका डी आंसर मैं देख सकती हूँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है यू हैव ट्वेंटी सेकेंड्स टू सॉल्व इट बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आएगा लेट्स सी ओके बी आया बी बाकी बच्चे देखते हैं बाकलअप बी बाकलअप आई लाइक योर नेम बप ठीक है नेहा का भी निसर का भी बाकलप का भी शालिनी का भी बी है सुशील गौतम का भी बी आंसर है देखते हैं चलो बायो रिसोर्सेज बाय मल्टी यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि एमएनसीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन ऑफ कंट्रीज एंड पीपल विदाउट कॉम्पेनसेटरी पेमेंट इज बायो पायरेसी बी आंसर वालों एकदम सही है आशुतोष सुशील शालिनी नेहा निसर्ग बकलब निसर्ग एकदम सही है यस बायो पायरेसी का क्या फंडा है मैंने आज कुछ रिसर्च करी मेरा कोई प्रोडक्ट था और उसे ले जाके किसी और आदमी ने अपना कॉपीराइट करा लिया अपने नाम पे बेचने लगा लोगों को और मुझे पैसे भी नहीं मिले उस चीज को दैट इज बायो पायरेसी विच इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल दे रखे हैं कि इंडिया में जो पुराने बहुत पुरानी चीजें जो यहाँ पे उगती आ रही है जैसे कि बासमती राइस की वेराइटी हल्दी की वेराइटी नीम की चीजें उसको मल्टीनेशनल कंपनी पेटेंट करा लेती है और अपने नाम पे बेचती है दैट इज बायो पायरेसी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु कैन डू इट मैंने कहा ना इस चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं और वो आते ही है कई दो तीन साल में एक ना एक क्वेश्चन रिपीट होके आ जाता है और वो टॉपिक्स भी यूजुअली मोर और लेस फिक्स ही हैं देखते हैं अमेरिका ने चोरी करी थी हमारे नींद की हाँ चोर है एक नंबर के एकदम चलो इसका आंसर बता दो बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेट्स के बारे में किस किस को पता है पता है किसी को कि नहीं आंसर नहीं आया अभी तक बच्चों अच्छा डी ओके डी लेट सी कोई और ऑप्शन दे रहा है कोई और आंसर दे रहा है या मैं बताऊं क्या है ये सुनो देखो फ्लावर सावर का क्या सीन है बेटा कि ये टोमेटो है अब टमाटर के साथ में तुमने क्या नाटक देखा है शॉर्ट वीडियोस का सी आंसर है सुशील का सी आंसर है अच्छा देखते हैं देखो हाँ अब होता क्या है समझो टमाटर के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है टमाटर दो दिन तुम रखो घर में दो दिन फ्रिज में रखो सड़ने लग जाते हैं खराब होने लग जाते हैं टमाटर की शेल्फ लाइफ बहुत कम है कौन सी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है टमाटर की अब ऐसा क्यों होता है समझो तुमने देखा है कि कच्चे फल सब्जियां बहुत टाइट होते हैं बहुत टाइट आप बात कर लो टमाटर की केले की आप किसी की भी बात कर लो जब वो कच्चा होगा वो हरे रंग का होगा और वो बहुत टाइट होगा जब वो पकता है तब क्या होता है तब उन सेल्स के बीच की मिडिल लैमिला डिजोल्व करती है मिडिल लैमिला यानी कि वो जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेड था उसका डिजोल्यूशन होता है उसके अलावा डिजोल्यूशन होता है वहां पे प्रेजेंट पैक्टिन लेयर का अब अगर ये बहुत फास्ट अब ये हमें थोड़ा तो उसका डिजोल्यूशन कराना ही है नहीं तो फल सब्जी पकेगी नहीं लेकिन अगर बहुत फास्ट रेट पे डिजोल्यूशन हो जाएगा फास्ट रेट पे उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा तो सब्जी या फल बहुत जल्दी सड़ जाएगा खराब हो जाएगा तो फ्लावर सावर टोमेटो में क्या किया गया उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पैप्टन डिग्रेडेशन रिड्यूस कर दिया गया तो इसका आंसर सी है पैटर्न डिग्रेडेशन को रिड्यूस किया गया सुशील सी शॉर्ट वीडियो सही नेहा राणा सही सी आंसर इसका एकदम सही है यस 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 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन एक बार में आंसर आना चाहिए और हर बच्चे का एकदम सही आंसर आना चाहिए बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेट्स डू इट वेरी क्विकली वेरी क्विकली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए करेक्ट इनकरेक्ट उसको मार्क कर लिया करो नॉट करेक्ट पूछा है ना अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना क्योंकि बहुत बार हम करेक्ट करेक्ट के नाम पे गलत कर देते हैं निसर्ग का डी आया है बाकलअप का डी आया है विवेक का डी आया है लेट्स सी नॉट करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट बताना है एलिसा एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कब काम आता है ये एड्स के ओ, कौन सा टेस्ट होता है कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं एड्स का शिट, 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 मैं नाम भूल रही हूं कन्फर्मेटरी टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट हाँ सॉरी एड्स के स्क्रीनिंग टेस्ट हम अलाइजा से करते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे काम करता है बिल्कुल ऐसा होता है कि हम एड्स का एंटीजन डालते हैं किसी इंसान की बॉडी से ब्लड निकालते हैं उसमें एंटीबॉडी से रिएक्शन कराते हैं अगर वो एक लूटिनेट हो गया मतलब वो इंसान पॉजिटिव है या फिर हम इंसान का ब्लड निकालेंगे और मतलब कुछ इस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी हजारों तरीके की अलाइजा होती है आसान भाषा में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है दूसरी चीज पहली ट्रांसजेनिक काउ रोजी थी नाइनटीन में बनी थी एकदम सही बात है बहुत ही ह्यूमन जैसा रिस्ड मिल्क देती है ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है एल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन में रिच होता है जीन थेरेपी हेरिडिटी डिजीजेस को ट्रीट करने के काम आती है एकदम सही बात है पहली जीन थेरेपी एक चार साल की बच्ची को की गई थी जिसको एडिनोसिस डी एमिनेस की डेफिशिएंसी थी ए डी ए डेफिशियंसी थी स्किड बीमारी थी ह्यूमन इंसुलिन इज नॉट मेड इन बैक्टीरिया ये स्टेटमेंट गलत है बैक्टीरिया के अंदर बनता है किसके अंदर कोलाई e. के अंदर बनता है एली लिली ने बनाया था इसको 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ हाय विनय हेलो माना अल्फा लैक टेल्बीमिन भाई तुम हिंदी में क्यों लिख रहे हो और वो भी इतना तगड़ा तगड़ा हिंदी में विनय डी सही था आशुतोष डी सही था सुशील विवेक बाकलप निसर्ग सबका डी आंसर उस क्वेश्चन का सही था अब मुझे टेंथ क्वेश्चन का आंसर चाहिए यस yes. बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये क्योंकि इसमें बच्चे गलती बहुत करते हैं जो क्वेश्चंस में बच्चे गलती करते हैं मेरा फेवरेट हो जाता है वही क्वेश्चन लेट्स सी लेट्स सी इसका आंसर दो जरा कंफ्यूज हो तो इसकी मैं ट्रिक बताने वाली हूं तुम लोगों को जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगी इसको सॉल्व करने में सी या डी में से कोई एक होगा देवाश्री ने ए बोला है बकल अपने बी बोला है देखो मैं तुम्हें तो बताती हूं उसमें कंफ्यूजन क्या होता है मैंने कैसे याद किया था वही मैं ट्रिक बता रही हूं फिर हम आंसर देख लेंगे देखो क्राई जीन तो इन्वॉल्व है क्राई जीन तो इन्वॉल्व है अब बच्चों को ये याद रहता है कि तीन है कैसे लिखा मैंने क्राई वा... पहले मैंने लिखा क्राई ए बी ए बी फिर एसी एल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख रही हूं पहले तो ए बी ए बी फिर एसी अब पहले वन आएगा फिर टू आएगा ए सी आया तो फिर वन आएगा यानी कि तीन जीन्स हो गए क्राई वन ए बी क्राई टू ए बी और क्राई वन एसी तीन जीन्स हो गए सबसे पहला सबसे पहला है कौन बोरर और फिर दो है कॉटन बॉलवम अब ये मैंने कैसे याद किया था कॉर्न बोरर छोटा नाम है सबसे पहले आ गया कॉटन बॉलवम बड़ा नाम है बाद में आ गया मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में शुरू करूं सी सी दोनों में सेम है ओ ओ दोनों में सेम है आर पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में तो कॉर्न बोरर मैं बाद में पहले लिखूंगी कॉटन बॉलवॉम बाद में लिखूंगी कौन बोरर छोटा नाम है एक जीन से काम हो जाएगा कॉटन बॉलवॉम बड़ा नाम है दो जीन्स लगेंगे इस लॉजिक से मैंने ये ट्रिक बनाई थी और मैंने इसको याद किया था अब बात करिए क्राई टू ए बी क्राई वन ए सी तो क्राई टू ए बी और क्राई वन ए सी अच्छा ये तो दोनों ही बॉलवॉम है एक मिनट एक मिनट ये क्वेश्चन में गलती है ऐसा करो क्राई टू ए बी और क्राई वन ए बी अब इसका आंसर बताओ क्राई टू ए बी और क्राई वन ए बी अब हम लॉजिक लगाते हैं तो क्राई टू ए बी तो बोलवॉम है और वन ए बी बोर है तो ए आंसर हो जाएगा आंसर वुड बी ए बेटा उस क्वेश्चन में थोड़ा एरर था उस क्वेश्चन में हाँ क्वेश्चन में एरर था आंसर इज ए लॉजिक तुम लोगों को समझ लॉजिक तो क्या ये तो याद करने वाली चीज है एक ट्रिक मैंने बनाने की कोशिश करी तुम लोगों को अगर समझ में आए प्रशांत ए ठीक है सुशील गौतम ए सही है विनय ए सही है निसर्ग ए सही है हां बेटा पहले बी आंसर वो क्वेश्चन में एरर था अब क्वेश्चन ठीक है ए ए ए हाँ ठीक है ठीक है डन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है चलो बता दो फटाफट से लेट्स सी हु कैन डू इट वेरी सिंपल क्वेश्चन अभी टेंशन मतलब अभी हम इसके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी करेंगे अभी हम इसके एसोसिएशन रीजंस भी करेंगे ऐसे आसानी से हमें जाना नहीं है अभी लेट्स सी फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी कब की गई थी किसको की गई थी ओके 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 इलेवेंथ का आंसर देखते हैं फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी एक फोर ईयर ओल्ड गर्ल को की गई थी कौन सी बीमारी थी उसके अंदर ए डी ए डेफिशियंसी थी एडीए की डेफिशिएंसी थी ए डी ए क्या है एडिनोसिन डी एंजाइम है एडिनोसिन यह एडीनोसिन डी एमिनेस एंजाइम हमारे इम्यून सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब यह एंजाइम गायब है तो इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी हो जाती है बीमारी का नाम है स्किड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तुम लोगों ने अगर वो मूवी देखी है द इज पिंक जिसका वो गाना है आयशा वाला बहुत बहुत हाई बीट सॉन्ग है बहुत प्यारा सॉन्ग है उसके अंदर उस बच्चे को यही स्कीड की बीमारी दिखाई जाती है स्किड अभिजीत डी नेहा विनय निसर्ग बकलप विवेक विनय यस 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 डी सही है यस नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए जायरा वसीम बॉलीवुड yes, बैड उसकी दोनों मूवीज दोनों तीनों जितनी भी मूवीज आई सब बहुत अच्छी आई थी नो विनर नॉट डेली बट येस ऑन रेगुलर बेसिस हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सेशंस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस चलिए ट्वेल्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या आ रहा है किसी ने सी दिया किसी ने डी दिया देवाश्री पवन निसर्ग आशुतोष चलो देखो पहली वैक्सीन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी वो हैपेटाइटिस बी की वैक्सीन थी जिसके लिए यीस्ट को यूज किया जाता है तो आंसर इज डी सीधा सीधा सा आंसर है डी तो प्रशांत अब आ, तो पोलियो गलत है बेटा प्रशांत का सही है पवन का सही है देवाश्री निसर्ग का सही है आशुतोष अभिजीत बेटा आप लोगों का गलत है सुशील सही है नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए ट्रांसजेनिक हेरोडिन किससे ऑप्टेन होता है ओके okay, थर्टीन का आंसर बाकी बच्चे देखते हैं पोटैटो टोमेटो ब्रासिका नेपस या ऑसमम सैंगटन अमरुद अरिमर्दन पाल देवाश्री प्रशांत कोनाथाला पवन कुमार दिसर्ग विनय कुमार देखो बेटा ट्रांसजेनिक हेरोडिन हमें ब्रासिका नेपस से अचीव होता है एक्चुअली हेरोडिन क्या है हिरोडीनिया यानी कि लीच की बॉडी के अंदर ना एंटी क्वागुलेंट प्रेजेंट होता है एक्चुअली में रोग्यूलेंट ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता अब जो झोंक होती है जो लीच होती है वो ह्यूमन ब्लड पे फीड करती है तो उसकी बॉडी के अंदर को एग्युलेंट होना मांगता है नहीं तो उसकी बॉडी के अंदर जाके ब्लड को एग्युलेट कर जाएगा तो साइंटिस्ट ने क्या किया जो रोडिन को कोड करने वाला जीन था जो एंटीकोगुलेंट को, को कोड करने वाला जीन था उसको निकाला और उसे ब्रेसिका नेपस यानी कि मस्टर्ड के अंदर डाल दिया अब होता क्या है वो लोग जिनका ब्लड बहुत थिक हो जाता है ना उनकी बॉडी के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि उनकी बॉडी के अंदर ब्लड कहीं पे भी क्लॉट कर सकता है और अगर वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी में क्लॉट कर गया जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है या जो हार्ट को सप्लाई कर रही है और वहाँ जाके अटक गया रुक गया तो उस इंसान की डेथ हो सकती है तो उनको फिर ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं हेरोडिन मतलब ऐसे मेडिसिकेशन दिए जाते हैं जिसमें हिरोडिनो एंटीकोगुलेंटो प्लासिका नेपस से हम इसको बनाते हैं तो आशुतोष प्रा नेहा बाकला विनय सुशील यस पोटैटो गलत है बेटा अदरवाइज ऑल आर सही चलिए असर्शन रीजन कौन मांग रहा था असर्शन रीजन आ गया है सॉल्व करने का फंडा ए ऑप्शन दोनों सही है असर्शन और रीजन एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन बी ऑप्शन असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन सी ऑप्शन असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है और डी ऑप्शन असोशन और रीजन दोनों फॉल्स है चलिए फोर्टींथ का आंसर देखते हैं वो दूसरी चीज है हाँ वो भी क्लॉट बस्टर होता है बट हेरोडिन का थोड़ा फंडा दूसरा है विनय फॉर लाइक नेक्स्ट फिफ्टीन मिनट्स नेक्स्ट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स जब तक ये क्वेश्चंस चल रहे हैं ओके okay, हमारे अरिमर्दन पाल पवन प्रशांत सुशील चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं एक पर्सन है जिसको कोई हेरिडिटी डिजीज है तो क्या जीन थेरेपी उसको हम कर सकते हैं यस yes, बिल्कुल हम कर सकते हैं पर जीन थेरेपी अरे क्या हो गया पेन क्यों नहीं चल रहा अब चल रहा है चलो हाँ तो एक इंसान है जिसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो क्या वो जीन थेरेपी से ट्रीट हो सकता है एकदम सही बात है ट्रीट हो सकता है बेस्ट चीज़ क्या होती है कि जितना जल्दी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रीटमेंट हो जाएगा उतना ज़्यादा बेटर होता है बर्थ के बाद में करेंगे या थोड़ा लेट करेंगे तो उसके ज़्यादा परफेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं बट अदरवाइज हम कर सकते हैं जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं उसमें जिसमें जीन डिफेक्ट को ट्रीट कर सकते हैं जो कि एम्ब्रियो में है दोनों स्टेटमेंट्स एकदम सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आंसर इज ए ए आंसर वाले एकदम सही है देबाश्री निसर खुशी आशुतोष सुशील यस yes, तुम लोगों का एकदम सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं चालू हो गया है आप लोगों का टाइम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है लेट्स ट्राई सॉल्विंग इट लेट्स ट्राई सॉल्विंग इट बताओ जरा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस चैप्टर से आने के उसके चांसेस बहुत ज्यादा है बेटा क्योंकि बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है बहुत सारे थ्योरीज़ इसके अंदर आने वाले हैं जे मेन्स पोस्टपोन करो बेटा मैं तो नहीं कर सकती ना, I'm so sorry. अच्छा निसर्ग ने ए आंसर दिया है सुशील ने डी सी डी अच्छा चलो देखते हैं। टाइम्स वाह

इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज का लेकिन मेजर रोल था क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस और एग्रोकेमिकल्स का एकदम सही बात है प्लांट एनिमल फंगस फंजाई एंड एनिमल प्लांट बैक्टीरिया फंजाइए एनिमल हुन हैल्टर्ड बाई मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गैनिज्मी की लाइन है बीटी कॉटन बीटी राइस बीटी कॉटन बीटी कॉर्न राइस टोमेटो पोटैटो सोयाबीन आर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट इन विच बीटी टॉक्सिन जीन आर प्रेजेंट एकदम सही बात है सम स्ट्रेन ऑफ बैसे प्रोड्यूसिस प्रोटीन दैट किल ऑल फॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स यहाँ पे लिखा है ऑल नो इट के कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स को ही ये किल करेगा तो चार स्टेटमेंट सही हैं आंसर वुड बी सी आशुतोष पवन नेहा गलत 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 निसर्ग पहले ए बोला फिर सी कर दिया पर चलो बाद में सही किया है सही आंसर है सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और स्टेटमेंट असर्शन रीजन क्वेश्चन है लेट्स ट्राई सॉल्व इट सॉल्विंग इट पार्टली बीन यूज क्यों वाई नॉट कंप्लीटली यूज क्या क्वेश्चन था एक मिनट uh, बेटा ये एनसीआरटी की लाइन है कि कुछ जो भी पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसमें जो भी यील्ड बनी उसमें कुछ परसेंट रोल तो क्रॉप मैंने क्रॉप वेराइटीज का था इंप्रूव क्रॉप वेराइटीज का और बहुत बड़ा रोल था बेटर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का और एग्रोकेमिकल्स का एग्रोकेमिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा ओके okay? चलो इसका आंसर क्या दे रहे हैं बच्चे असर्शन रीजन देखो फंडा तुम लोगों को पता है ए बहुत सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन बी बहुत सही लेकिन इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन सी ए सही आर गलत डी दोनों गलत चलो ह्यूमन प्रोटीन अल्फा वन एंटीट्रेप्सिन इज यूज टू ट्रीट एम्फाइसे एकदम सही बात है यहाँ तक एनसीआरटी की लाइन है एम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए अल्फा वन एंटीट्रेप्सिन हम यूज करते हैं एंड अदर बायो एक्टिव सब्सटेंस आर बी मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीके यू यानी किटोन यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस प्रोड्यूस बाय ट्रांसजेनिक एनिमल्स दोनों सही एकदम कंप्लीट सही स्टेटमेंट एनसीआरटी की लाइन है ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए विच कोर्ट ऑफ पर्टिक्युलर प्रोडक्ट ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आंसर हो जाएगा ए वहां पर ट्रांसजेनिक एनिमल्स के फायदे बताए गए हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है वो बताया गया और ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बता दिया गया एकदम सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए बेटा दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप पार्ट में सम, समझते जाएंगे वो होते जाएंगे बल्कि मैं तो कहती हूं कि पार्ट्स में करो जितना जितना सेगमेंट है उतने उतने सेगमेंट को करते जाओ हो सकता है वो क्वेश्चन एक सिंगल सेगमेंट में पूरा हो जाए या एक ही बात एक सिंगल स्टेटमेंट की वो बात कर रहे हैं तो तो आपको उसको पूरा रीड करना है पर अगर जैसे ये अल्फा वन एंटीट्रिप्सन फिनाइल सिस्टिक फाइब्रोसिस ऐसे बहुत सारी चीजें थी उस एक स्टेटमेंट में तो हमें उसे सेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा छोटा स्टेटमेंट है एक बार में पढ़ो बड़ा स्टेटमेंट है तो डिवाइड कर करके पढ़ो ठीक है ठीक है ठीक है आंसर अरे देखो ट्रांसजेनिक काउ है रोजी ह्यूमन प्रो एक मिनट ट्रांसजेनिक काउ है रोजी सही है प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एंड रिज मिल्क बनाती है सही है न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस है दैन नैचुरल काउ एकदम सही बात है तो सही है द मिल्क कंटेन ह्यूमन बीटा लैक्ट एल्ब्यूमिन और मुझे पता है तुम लोगों ने क्या गलती करी है बीटा नहीं अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन होता है आंसर सी है रीजन फॉल्स है यहां पे बच्चे यही गलती करते हैं कभी कभी काउ की जगह बफेलो लिखा होता है ऐसे छोटे छोटे चीजें चेंज की जाती हैं। अल्फा की जगह बीटा लिखा होता है आंसर वुड बी सी ए आंसर वालों ये गलत है हाँ अब अब सी लिखने से कोई फायदा नहीं है अब सी लिखने से कोई फायदा नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव फोर्टी सेकेंड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है इसको सॉल्व करिए एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आज का आखिरी क्वेश्चन है लेट्स सी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से है ये क्वेश्चन एक करेक्ट पूछा गया है करेक्ट को गोला बना दो टिक कर दो जब भी पेपर करो ये प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन के हर वर्ड पे पेंसिल या पेन रखोगे ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट नॉट करेक्ट इन सब पे गोले लगाओगे या अंडरलाइन करोगे वेरी इंपॉर्टेंट यहीं पे बच्चे गलती करते हैं ठीक है ये तो ऐसे है हाँ तो बेटा ऐसे सॉल्व करने बीस मिनट जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना वो इन्हीं ऐसे के मिल रहे हैं इन्हीं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में गलतियां करी है बच्चों ने इस बार भाई में अच्छा डी आंसर है क्या चलो चेक कर लेते हैं लेट्स सी

पीसीआर में हम क्या करते हैं डीएनए के क्वांटिटी को एम्पलीफाई कर देते हैं मेरे ब्लड में कोई ऐसा बैक्टीरिया है कोई ऐसा वायरस है जिसके सिम्टम्स भी नहीं आए हैं लेकिन मैं पीसीआर करूंगी तो मुझे उसकी प्रेजेंस पता चल जाएगी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है करेक्ट पूछा गया है चाहे वो हो फर्स्ट तो दोनों में है और सेकेंड भी सब में है यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट भी सही होगा पेट पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एच इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट एकदम सही बात है एड्स वायरस बॉडी में घुस गया पंद्रह बीस साल बाद उसके सिम्टम्स हमें दिखेंगे और अगर हम अभी टेस्ट करा लेंगे पीसीआर करा लेंगे तो अभी उसकी प्रेजेंस पता चल जाएगी तो चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट पीसीआर बीइंग यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स ऑफ सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स एकदम सही बात है बच्चों को लगता है ये कैसे बेटा एनसीआर पढ़ो एनसीआरटी की लाइन है कैंसर सस्पेक्टेड पेशेंट्स में जो म्यूटेटेड जीन्स हैं उसको भी हम एम्पलीफाई कर सकते हैं पीसीआर से तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है यानी कि बी तो नहीं होगा बी में उन्होंने थर्ड स्टेटमेंट की बात नहीं की है अब फोर्थ की बात कर लेते हैं पीसीआर इज अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी जेनेटिक डिसऑर्डर यस ठीक है फोर्थ बी स्टेटमेंट एकदम सही है यानी कि ये वाला भी नहीं होगा इसमें इन्होंने फोर्थ की बात नहीं करी है अब फिफ्थ देख लेते हैं सिंगल स्ट्रांडेड डीएनए और आर एन ए विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब इज यूज टू डिटेक्ट म्यूटेटेड जीन्स बाय हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय ऑटो रेडियोग्राफी जब ऑटो रेडियोग्राफी का क्वेश्चन आया था तब मैंने ये स्टेटमेंट एकदम क्लियरली तुम्हें बता दिया था तो ये स्टेटमेंट भी सही है सारे स्टेटमेंट सही है आंसर इसका डी हो जाएगा आंसर इस डी तिबाश्री सी नहीं है डी है पवन कुमार एकदम सही है हाँ पीसीआर आरटीपीसीआर हुआ तो था सबने सबने सुना है आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पीसीआर हुआ था जो हम आज तक ऑन पेपर पढ़ते हुए आए थे ऑन पेपर पढ़ाते हुए आए थे पहली बार कोविड में लोगों ने उसके नाम सुने आरटीपीसीआर बिल्कुल खुशी था डी 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 आंसर इज डी चलिए स्टूडेंट्स बस इतनी थी हमारी आज की क्लास किसी ने मुझसे पूछा कि क्लास डेली होती है डेली नहीं होती है बट ऑन रेगुलर बेसिस वीकली और ट्वाइस इन अ वीक होती है फॉर रिगार्डिंग ऑल दो पी एस एस सेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन चलिए तो कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन मुझे डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा यूट्यूज इंडिया के चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो लोगों को शेयर करो फॉर द बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट फॉर नीट एंड जेई आप लोगों को अगर बायोलॉजी में कोई भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं एट माई टेलीग्राम चैनल विच इज वाइट कोट्स विद एस एस मैम यहां पे आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट एस एस मैम ओ फोर आई वुड सजेस्ट इंस्टाग्राम अभी बंद कर दो नीट देना है तो शांति से सिर्फ टेलीग्राम्स पे डाउट्स पूछो ठीक है चलिए आज का लेक्चर हम यहां पे फिनिश करते हैं थैंक यू सो मच सुशील थैंक यू निसर्ग वी गाइज विल मीट नेक्स्ट वीक विद अ विद दिस सॉर्ट ऑफ इंटरेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट सेशन अगेन हम कोई ना कोई चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कस कर रहे होंगे तब तक के लिए प्लीज हैव अ हैप्पी लर्निंग प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्वस्थ रहो मस्त रहो ऐश करो मन लगा के पढ़ते रहो थैंक यू गुड नाइट